हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शहीर शेख के बारे में। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, शहीर शेख और पूजा शर्मा के बारे में। आज कुछ समय पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो महाभारत बहुत ही जोरों शोरों से चला था, जहाँ पर पूजा शर्मा और शहीर शेख की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही थी। और जब महाभारत ऑन एयर हुआ था तभी से लेकर पूजा और शर्मा और शहीर शेख को लेकर लोगों में क्रश था। दोनों की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, दोनों के फैंस काफ़ी थे। और यही नहीं, शहीर शेख भी कहीं ना कहीं पूजा शर्मा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, उन्होंने पब्लिकली कभी भी इस बात को एक्सेप्ट किया नहीं। दोनों को एक साथ कई इवेंट्स पर देखा जा चुका है और शहीर शेख पूजा शर्मा की तारीफ के बहाने ही रूना करते थे। कई बार उनको उनकी तारीफ करते भी देखा जा चुका है। हाँ, पूजा शर्मा वाकई में काफ़ी सुंदर हैं, लेकिन उसके अलावा शहीर शेख एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसीलिए फैंस तो उन दोनों को काफ़ी पसंद करते थे और वो तो यही चाहते थे कि दोनों हमेशा एक साथ ऐसे ही बने रहें। लेकिन अचानक से शहीर शेख की ये अनाउंसमेंट सब कुछ तोड़ कर रख देती है। जी हाँ, फैंस के दिल भी टूट गए और उनको धक्का भी लगा। अब बात क्या है आपको बता देते हैं। शहीर शेख ने अपनी गर्लफ्रेंड की अनाउंसमेंट की है। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि फिल्म स्टार प्रोड्यूसर रुचिका कपूर। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रुचिका कपूर उनकी गर्लफ्रेंड है। और जिन्हें बताते हुए उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो उन्हें डेट कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत ही जल्द शादी भी कर लें। भाई, अनाउंसमेंट का और कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे शहीर शेख की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में देखा जाए तो कई नाम शामिल हैं, एरिका फर्नांडिस का तो वही, पूजा शर्मा का भी नाम शामिल है। तो ऐसे में पूजा शर्मा क्या सोच रही होंगी, क्या उन्हें पहले से इस बात का पता होगा या फिर उनके लिए भी बाकी फैंस की तरह शॉकिंग रिएक्शन होगा। वैसे दोनों ने द्रौपदी और अर्जुन के रोल में फैंस के दिलों पर काफी राज किया है। वैसे आपको किसकी जोड़ी ज्यादा बेहतर लगती है, पूजा शर्मा शहीर शेख की या फिर एरिका फर्नांडिस और शहीर शेख की, या फिर रिया शर्मा और शहीर शेख की, या फिर रुचिका कपूर और शहीर शेख की? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।